तो आईटी स्टूडियो में काफी कमाल की अपडेट आ चुकी है। आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे मुझे जो है यहां पे एक अपडेट देखने मिल रही है सामने। आप यहां पे देख सकते हो जैसे ही आईटी स्टूडियो के एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूं मैं, यहां पे मुझे सामने ये अपडेट देखने मिल जा रही है, लर्न हाउ यूट्यूब रिकमेंड्स कंटेंट। तो इस ऑप्शन से आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी यूट्यूब वीडियोज को रिकमेंडेशन में कैसे ला सकते हो, अपनी वीडियो पे व्यूज कैसे लेके आ सकते हो, सारा कुछ इस जो है अपडेट में बताया। तो वीडियो को स्किप मत करना और चलते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं इस अपडेट पे जो है क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे लिखा है रिकमेंडेशन आर बेस्ड ऑन ए फ्यू डिफरेंट थिंग्स। तो रिकमेंड करने के लिए कुछ चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत होती है, और कौन सी वो चीज़ यहाँ पे नीचे बताया हुआ है, एंड योर ऑडियंस इज द मेन फोर्स बिहाइंड देम। मतलब जो आपकी चैनल की ऑडियंस है वो काफ़ी अच्छा खासा रोल करती है आपके जो है यहाँ पे वीडियो को रिकमेंड कराने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जैसे ही मैं लेफ्ट यहाँ पे स्वाइप करूँगा, यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डू योर वीडियोज स्टैंड आउट टू पीपल, मीन्स आपकी वीडियोज़ को किस तरह से यहाँ पे सामने दिखाया जाता है। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है Pretend you are a viewer that doesn't know your channel. What would you click on? Means आपको जो समझना है कि आप जो है एक नए यूट्यूबर हो और आपके सामने ये वीडियोज़ दिखाई जा रही है, तो इनमें से आप जो है किस वीडियो पे क्लिक करोगे। कहने का मतलब है कि इनमें से जिस भी वीडियो पे आप क्लिक करोगे उसके जैसा थंबनेल आपको जो है बनाना है, क्योंकि वो थंबनेल से ही आप जो है अट्रैक्ट हुए हो। तो थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल करता है आपकी वीडियो को रिकमेंड में लाने के लिए। तो आपके थंबनेल पे भी यहाँ काम करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे यूट्यूब ने बताया। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे डू पीपल चूज़ योर वीडियो, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा है कि अगर आपकी वीडियोस को कितने लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं देखने के लिए, तो नीचे यहाँ पे लिखा है एवरी 100 टाइम्स दैट योर थंबनेल्स आर शोन व्यूवर्स चूज देम 2 टाइम्स। मीन्स अगर 100 जन को मेरी थंबनेल दिखाता है यूट्यूब, तो उसमें से 2 ही जन जो है उसे चूज़ करते हैं। और नीचे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मेन्यू पॉपुलर वीडियोस आर चूजन अप टू 10 टाइम्स इन ए फर्स्ट डे। मींस अगर मैं कोई पॉपुलर टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ तो उस पर जो है 100 में से 10 लोग जो है 100 टाइम में से 10 टाइम लोग मेरी वीडियोस को चूज़ करते हैं देखने के लिए, तो मुझे अपने चैनल पर यहाँ पे पॉपुलर वीडियोज़ बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है डू योर वीडियोज़ कीप पीपल वॉचिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे यहाँ पे लिखा है कि 4 मिनट्स की जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें से जो है काफ़ी 50 सेकंड तक ही लोग देखते हैं, और मैं अगर एक पॉपुलर वीडियो बनाता हूँ तो उसमें जो है 2 मिनट 30 सेकंड तक लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है पॉपुलर वीडियोस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ऐसा यूट्यूब ने बताया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप अपनी वीडियोज़ को यूट्यूब रिकमेंडेशन में अगर लेके आना चाहते हो तो उसमें जो है आपकी वीडियो में लोग इंटरेस्ट दिखाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डू पीपल इन्जॉय योर वीडियोस, तो पीपल आर शोन मोर ऑफ दैट व्हाट दे लाइक शेयर रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली इन योर यूट्यूब सर्वे। अगर आपकी वीडियो पे लोग यहाँ पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो यूट्यूब समझेगा कि आपकी वीडियो को यहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं और आपकी वीडियो को यहाँ पे रिकमेंड करना चालू कर देगा। तो आपको अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना है, और जो है उसमें इंटरेस्टिंग बनाओगे तो आपकी वीडियो को यहाँ पे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, जिससे कि यूट्यूब को लगेगा हाँ इस वीडियो को रिकमेंड करना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे डोंट फॉरगेट हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब जो है लोग किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक लिखा है कि टॉपिक इंटरेस्टेड होना चाहिए आपका। यहाँ पे देख सकते हो कि आपका टॉपिक अगर इंटरेस्टेड होगा तो लोग आपके जो है वीडियो में काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाएंगे। उसके बाद कंपटीशन, यहाँ पे आपको देख लेना है कि आप जो वीडियो बना रहे हो उसका कंपटीशन क्या है, इसके हिसाब से आपको जो है अपनी वीडियो को बनाना है। सीजनैलिटी, मतलब है कि आपको अपने जो है वीडियो में यहाँ पे चेंजेस कर करके देखने, एक ही वीडियोस पे कंटेंट पे काम नहीं करना है, सीजन के वाइज आपको यहाँ पे अपने कंटेंट को यहाँ पे चेंज करते रहना है, जिससे कि आपको जो है पता लगेगा कि एक ही कंटेंट पे काम करते रहोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा अगर उस पर ग्रोथ नहीं हो रहा है, अगर आपको जो है यहाँ पे कंटेंट में बदलाव करने होगा। जैसे सीज़न बदलता है वैसे आपको अपने कंटेंट में भी बदल बदल के देखते रहना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट मेरा यहाँ पर चल रहा है और कौन सा कंटेंट नहीं चल रहा है। तो ये तीनों टॉपिक, ये तीनों जो है यहाँ पर पॉइंट्स है, आप जो है अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर लेफ्ट स्वाइप करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो
अंडरस्टैंड वॉट व्यूअर्स एंजॉय टू मेक वीडियोज गॉट रिकमेंडेशन। तो ये लुक एट योर की मूवमेंट्स पे, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये मुझे YouTube के एनालिटिक्स पर लेके चले जाएगा। मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड की रहेंगी तो यहाँ पे की मूवमेंट्स सारी मुझे यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे मुझे देखने मिलेगा कि इंट्रोस किसका अच्छा है, टॉप मूवमेंट किसका अच्छा है, स्पाइक्स मतलब यहाँ पे कब मेरी वीडियोस पे ज़्यादा लोग ने रिपीट कर करके देखा है, डिप्स मतलब यहाँ पे कब मेरी वीडियोस को छोड़ के चले गई है। अगर ये सारा कुछ अगर आप समझ लेते हो ना, तो आप जो है अपनी वीडियोस पे अच्छा खासा अभी यहाँ पे एडिट कर सकोगे, अपने थंबनेल को भी यहाँ पे इससे सीख के आप अच्छा थंबनेल बना सकोगे अब से, और जो है आप अपनी वीडियो में कंटेंट में काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी वीडियोज़ के लिए टेक्नो दीपक को फॉलो करना ना भूलिएगा।